देखिए अल्लाह ताला ने सबको बोले मुख्तसर बच्चे की तरह, माशाल्लाह आप सारे डॉक्टर बन गए, आप लोग अल्लाह की कुदरत को ज्यादा पहचानते हैं, आप रोज पढ़ते भी हैं, देखते भी हो गए, सुनते भी हो गए। अल्लाह ने हम सबको बड़े मुख्तसर बच्चे की पैदा किया। इस वक्त में जो लोग भी अल्लाह के हुक्मों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पूरा करेगा, अल्लाह ताला दुनिया पर उसको अल्लाह ताला ने पैसे में, शोहरत में, अहदे में, हुकूमत में, अल्लाह ताला ने कामयाबी सारी की सारी अपने हुक्मों में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में, और यही दीन है सारा। जहां भी मैं जाता हूँ कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप मुसलमान कैसे हैं, तो शुरू से मैं मुसलमान लोगों में रहा हूँ, शुरू से जहाँ मैं पैदा हुआ, मोहल्ले में बड़ा हुआ, स्कूल में खेला, कॉलेज में खेला, खेला ही पढ़ा नहीं, तो ये सब मुसलमान। लेकिन बात ये है कि कलमा पढ़ने का बहुत बड़ी बात है, अल्लाह के एहसान है आप सब पे भी, क्या मुसलमान पहले कर रहे हैं और अल्लाह ने मुझे कलमा दिया बाद में, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत कीमती कलमा है, बहुत बदली का कलमा है। जिस पे आता है एक पलड़े में कलमा रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के साथ जमीन आसमान, ये कलमे वाला पलड़ा जो मेरा झुक जाए, इतना कीमती बदली कलमा है। ये हमें सिर्फ अल्फाज नजर आते लग रहे हैं, क्योंकि अपने अल्फाज के जरिए पड़ा हुआ है, बस ये हमारी जुबानों पर है, दिल में नहीं है, इसकी अहमियत का हमें पता नहीं है। ये उस पर पता चलेगा जब हम सब आप बस कर लेंगे, अल्लाह के पास जाएंगे, कब्र में जाएंगे, फिर पता चलेगा, अभी नहीं हमें समझ आएगी इसकी। तो ये सब मुसलमान थे, लेकिन इनमें कलमे वाली बात नहीं, कलमा जो डिमांड करता है ना वो बात नहीं, अल्लाह के हुक्म नबी के तरीके ही कुछ नहीं। मेरी जैसी जिंदगी, जैसे मैं रोजा था, घूमता फिरता था, जैसे रहता था वैसे हो ही रहते, तो कोई फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने जब ऐसे लोग दिखाए जो अल्लाह के हुक्मों पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे जिंदगी गुजारे, तो अल्लाह ने हटाए, अल्लाह ने करवा दे दिया। तो कर्मा कैसे मिला भाई, जो ऐसी जिंदगी गुजारेगा जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बना के दिया है, पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोल मॉडल बना के दिया, वो हीरो है, इस कायनात के दूल्हे हैं। अब जो शख्स भी उनकी नकल करेगा वो खुद तो कामयाब होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। ऐसे लोगों से अल्लाह, ऐसे लोगों के जरिए से अल्लाह नबी अदा है। तो अब ये जितनी मेहनत है, सहित भी जो बात कर रहे हैं, जहाँ भी ये बात सुनेंगे, पूरी दुनिया में दावत नबी का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, हर जगह यही बात हो रही है, जहाँ भी आप जाएंगे तबलीग का काम जो हो रहा है हर जगह एक ही बात हो रही है। सही कहीं ने जो बात की, अगर आप कहीं और चले हैं वो भी यही बात कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्मों पे आ जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे आ जाओ, मस्जिद को आ, इसमें कामयाबी और कहीं हो सकती है। हम सब ने कलमा पढ़ा हुआ, हम सब मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी हैं, जो वो उनकी इशारों को स्थापित करेगा, वो उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम उनके लिए जान दे देंगे। मैं एक जगह नवाबाद मेडिकल कॉलेज अवार्ड में गया, उसमें मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं गया था थोड़ी देर बात करने के लिए। तो उन दिनों में यूट्यूब पर और क्या नाम है फेसबुक पे वो उन्होंने जो मैं फाके या जो भी उन्होंने किया वो है तो बिल्कुल गलत, इसमें कोई शक नहीं है, तो गलत चीज़ है। किसी की मदद पे किसी को हमें भी जानते नहीं, किसी को गलत करेगा या किसी और पर है चीज़ गलत। तो वो कह रहे थे हमने इसके लिए एक वो करनी है, वॉक करनी है कि ये गलत हुआ है। तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था वॉक जरूर करें आप, जो कार्टून उन्होंने बनाए हैं नवाज़ का
जब आप वॉक करेंगे पूरी दुनिया की वॉक जाएगी, जब आप लोग निकलेंगे कोई पैंट शर्ट में निकलेगा, कोई क्रीम शर्ट निकलेगा, वो तो कहेंगे ये तो खुद हमारी नकल कर रहे हैं, अब तो खुद काट कर रहे हो। हम लोग खास नजर में तरीके में तो नहीं है ना। अब कई लोग कहते हैं हुलिये से क्या होता है, गाड़ी से क्या होता है। अगर जिससे कुछ ना होता तो अगर अल्लाह ताला आप सदस्यों को ये भी देते, गाड़ी भी दी, हुलिया भी दिया, सब चीजें अल्लाह ताला ने आप सदस्यों को दी है, वो इसीलिए दी है कि